लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने वाले थे, इस वादे का क्या हुआ? वहीं जबकि लाडली बहना योजना ने ही सरकार बनाई, भाजपा ने प्रदेश में चेहरा किसी और का दिखाया और सीएम किसी और को बनाया। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। भाषण करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सदन में बात करते हैं, जहां अवसर आता है वहां बात करने की जब कोशिश करते हैं तो धार्मिक बातें करते हैं। वो धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश को बनाने की बातें करते हैं, राम जैसा राज बनाने की बात करते हैं। राम का राज ऐसा नहीं था जिसमें बहनों की अस्मिता तार तार हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था दिन दहाड़े गोलियां चले, तलवारें चले, अपहरण हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था कि वचन दे दे और पूरा नहीं करे। आपने गेहूं के वचन की बात की थी, 3100 रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? धान के दाम की 3100 की बात की थी, आज तक क्यों निर्णय नहीं लिया? आपने क्या कारण है कि 2600 रुपए गेहूं की बात हुई है किसानों से, आपने उनकी भावनाओं को वोट पे हो? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल की धरती पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आ रही है। उसकी तैयारियों को लेकर संभागीय मीटिंग विधानसभा वार समन्वय समितियों की आज हमने की, लोकसभा की साथ ही साथ तैयारियों को लेकर और जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया में सबके सहयोग की भावना को लेकर आदरणीय हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी ग्वालियर चंबल आए थे। ग्वालियर में उनकी सुबह से बहुत परिवार के साथियों ने कई सजेशन दिए हैं और मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण आज मीटिंग में रही, जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद। युवा चेहरे देखने को मिलेंगे।